भिंड के रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ अभियान योजना को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर फूल माला पहनाया गया, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान भी भेजे गए। बता दें कि ये यात्रा 5 दिन की है, जिसमें 300 श्रद्धालु ने भाग लिया। बहुत अच्छी योजना है और ये काशी वाराणसी जा रहा है, 6 दिन की योजना है, बहुत सराहनीय योजना है। आज मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, जिसमें वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, उनको भगवान के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। इसमें हमारे भिंड से 400 लोग जा रहे हैं, 300 लोग जा रहे हैं। हम लोग की 5 बोगियां हमारी बुक करी हुई हैं, जिसमें हम लोग S11 से S15 पे लोग बैठेंगे। जो वृद्ध जन हैं, जो लोग नहीं जा पाते थे, जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहा है कि हमारे वृद्ध जनों को भगवान के दर्शन की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, उसके अंतर्गत ये स्पेशल ट्रेन के लिए से हमारे वृद्ध जन दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो यहाँ भिंड जिला से वरिष्ठ नागरिक यहाँ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या काशी का जो ये ट्रिप है तो उसमें भाग लिए हैं। ये 5 दिन का यात्रा है, इसमें ये जो ट्रेन आज अभी सभी जनप्रतिनिधि के सामने जो फ्लैग ऑफ हुआ है, ये ग्वालियर जाएगा, ग्वालियर में भी कुछ लोग भाग लेंगे, वहाँ से दतिया जाएगा, दतिया से भी कुछ लोग भाग लेंगे, फिर वहाँ से वो अयोध्या, अयोध्या के बाद काशी, ये पूरा ट्रिप करके फिर वापस आ जाएंगे।